सो so, फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे हाथवे केवल्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के नंबर और इसका इम्पैक्ट हमें कल के दिन कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर तो वो जानेंगे डिटेल में तो चलिए देखते रिजल्ट्स कैसे हैं तो फ्रेंड्स देखेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है अभी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और ये आपको करंट क्वार्टर देखने को मिलेगा यहाँ पर और ये आपको प्रीवियस क्वार्टर और ये आपका प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर तो चलिए अब आपके बार जो रहा है अभी टोटल इनकम वो क्या है पाँच सौ चौबीस करोड़ जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी पाँच सौ तैंतीस और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी पाँच सौ तैंतीस करोड़ की इनकम यानी कि इनकम प्रीवियस क्वार्टर प्रीव से भी टूटी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी तो दोनों जगहों से इनकम डिक्रीज हुई है इसके बाद देखो एक्सपेंसिव यानी जो खर्चे रहे हैं तो खर्चे कैसे हैं पाँच सौ तीन करोड़ के और प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे एक्सपेंस पाँच सौ चार सौ तिरानवे करोड़ के और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में पाँच सौ तेरह करोड़ के एक्सपेंस यानी प्रीवियस क्वार्टर से एक्सपेंस में जंप है बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से एक्सपेंस कम हुए हैं भाई और अब की बात जो एक्सपेंस है वो रिवेन्यू से आप लोग देखोगे कम है मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया लेकिन कितना प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर देख सकते हो कि नेट प्रॉफ़िट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो 18 करोड़ का प्रॉफिट है जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 34 करोड़ का प्रॉफिट था ठीक है अट्ठारह करोड़ का प्रोडक्ट प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे सीधा फिफ्टी परसेंट के करीब फॉल आना प्रॉफिट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप लोग देखोगे प्रॉफिट में फॉल है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें प्रॉफिट्स में फॉल देखने को मिला बाईस करोड़ से जो प्रॉफिट है वो सीधा हो गया अभी अट्ठारह करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट्स में दोनों जगहों से हमें फॉल देखने को मिला है इसके बाद आप लोग देखोगे भी जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर देख सकते हो तो दस पैसे का जबकि प्रीवियस में बीस था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तेरह पैसे तो रिजल्ट्स फिर खराब आए हैं इंपैक्ट इसका एक बार फिर हमें कल ख़राब देखने को मिलेगा ठीक है और बाकी यहाँ पर वीडियो को पोच करके जो ये नोट्स है ना इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी तो इसका रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक हमें कल के दिन ख़राब देखने को मिल सकते हैं रिवेन्यू सेगमेंट्स से वगैरह यहाँ पर आप लोग वीडियो को पोच करके देख लेना भी किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है ठीक है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो